हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा आप लोगों को पता था कि हम गांव गए हुए थे और मैं आ गई थी। अभी मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा और मेरे बेटे का, और अभी हम लोग ठीक हैं। दवा लिया था हम लोगों ने तो अभी ठीक है। और मेरे हस्बैंड गांव पे रुके हुए थे, जो कि अभी आज मॉर्निंग में आए हुए हैं। और उनके आते ही मेरा बेटा जिद करने लगा कि पापा मुझे पतंग उड़ाना है, तो ये लोग पतंग लेके आए हैं और पतंग उड़ाने की तैयारी हो रही है। दो और है यहाँ पे, एक ये है वंदे मातरम। हेलो गाइस, गुदारा चढ़ गया क्या? गाइस हम आ गए। अभी ये लोग छत पे जाएंगे, छत पे जाके यहाँ पे पतंग उड़ाएंगे। मामा पतंग लाए पर मामी क्रेडिट ले रही हैं, यहाँ पर बोल रही हैं कि मैं रहते हुए सारा काम हो जाता है। मामी आप क्रेडिट क्यों ले लेते हैं? करवाया बोल के ना, वो मैंने बोला कि जाके, और जबकि मामी ने नहीं बोला। नहीं मैंने बोला। मामा सच्चाई बताइए, कुछ करते हैं कभी अपने मन से? सच्चाई बताइए आप लोग, चलिए सच्चाई बताइए। तो फाइनली गाइस हम लोग छत पे आ गए हैं और यहाँ पे पतंग उड़ाने की तैयारी हो रही है। धूप है बहुत ज्यादा। हाँ। नहीं काय पूछे, प्लेन के पास पहुंचा दो। हम लोग पतंग उड़ा लिए और नीचे जा रहे हैं, ध्यान से नीचे देख के आना। हेलो गाइस, शाम के 45-49 हो रहा है और हम लोग चाय पी रहे हैं। मामा उधर अपना, मामी वहाँ डॉक्टर के बारे में सिलसिले में बातचीत चल रही है। हाय गाइस, बूम। गाइस अब हम लोग घर की सफाई करने जा रहे हैं, घर की क्या रूम की, जो ये फैला हुआ है पूरा रूम, इसे हम लोग समेटेंगे। मामा डीजे वाला बना है, गाना चलाएगा। हेलो गाइस, जैसे कि शाम को 7:45 हो रहा है और आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि अभी तो कोई और कपड़े में थे, अब कोई और में आ गए, यहाँ रेडी हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम आपको सरप्राइज रखेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं आप ब्लॉग में जुड़े रहो और देखते रहो आगे आगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अचानक से प्लान बना है तो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम उस चीज का क्लिप लेंगे और ब्लॉग। गुन्नू भी रेडी हो चुका है बट अभी मामा रेडी नहीं हुआ है। निकल चुके हम लोग, सरप्राइज। यहाँ पे हमारी टीम में कुछ और लोग ऐड हो रहे हैं और हम लोग बाई वॉकिंग जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल पास में ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। हेलो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पैदल क्यों जा रहे हैं, गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे, बिकॉज हम लोग बाई वॉकिंग जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो हम लोग आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे। ये री फैमिली से हाय, ये पूरी फैमिली है और आगे मामा और दोनों मामा चल रहे हैं। यहाँ से बैक कैमरा, क्योंकि मैंने ये ले रखा है बिकॉज यहाँ लाइट नहीं है इसलिए। तो हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं आज खाने डिनर के लिए, क्योंकि मामी और बाबू को मन था बहुत दिन से, यही सरप्राइज था। हम लोग डिनर के लिए बाहर आए हैं। जैसे कि हमारा स्नैक्स आ चुका है, स्नैक्स दिखाओ। एक्साइटेड है मामी। मामा खाइए। और नेक्स्ट है चिली पनीर।
गया है। देखो अभी मेन कोर्स आने वाला है, अब मेन कोर्स आने वाला है, ऑर्डर हो गया है। और यहाँ पे एक और हम लोग आज मस्ती करते हुए आए, हम लोग बोले कि चलो बाई वॉकिंग चलते हैं, गाड़ी से नहीं चलते हैं। और यहाँ आगे हम लोग को पता चला कि बारिश इतनी जोर की हो रही है, अब देखते हैं घर कैसे जाते हैं। अगर आप लोगों को दिखेगा तो देखिए। डिनर आ चुका है और सबने खूब मस्ती से खाना खाया, और उसके बाद से हम लोग तो खाना हम लोग खा चुके हैं, अब सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो इसीलिए चलो हम दिखाते हैं, बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। चलो बारिश कितनी तेज हो रही है, और हम लोग सोच रहे हैं कैसे जाए कैसे। यहाँ का व्यू देखो मामी, हम लोग आ तो गए, अब जाएंगे कैसे, यहाँ फंस चुके हैं हम लोग। चलो देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ होगा बनने का, नहीं तो भीगते हुए जाएंगे। सबका रिएक्शन ऐसे है कि जाएंगे कैसे, पर मुझे आ रहा है मजा। सबका रिएक्शन कैसे बुखार, बारिश में भीगने का नहीं, सुबह लेना चाहता नहीं है, बट अभी देखते हैं। और भगवान पे कितना तेज बारिश कर रहा है, दिखाती हूँ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत। हमारी कैब आ चुकी है, हम लोग कैब से जाएंगे, तो हम आपको थोड़ी देर में दिखा। सॉरी मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, कैब आ गई थी बट हमने कैंसिल करवा दिया क्योंकि बारिश बंद हो गई और हमें एंजॉय करके जाना था। हमारी कैब आई है, वैसे बारिश भी बंद हो गई तो सब लोग बोलने लग गए कि हमें पैदल जाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई कैंसिल करते हैं, तो हम लोग एंजॉय करते हुए जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है बारिश में एंजॉय करते हुए। मामा की बस सबको मजा आ गया, पैदल चलना। हेलो गाइस, हाय। बुक किया हुआ कैब सब लोग कैंसिल करवा दिए, सबको मस्ती सूझ रही थी कि हमें पैदल जाना है। और आधे रास्ते में आने के बाद इतनी ज़ोर की बारिश हुई कि हम सब लोग भीग गए, और बड़ी मुश्किल से भाग भाग के हम लोग घर पहुँचे हैं। और अभी सब लोगों ने चेंज कर लिया है, अब सोने जा रहे हैं, और इसको बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अभी बुखार था, खांसी सर्दी सब कुछ, मुझे भी हुआ था। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए क्योंकि अभी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है मेरा, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय, गुड नाइट।